आज जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फिर से वापस से वही बुराइयाँ पनप रही हैं, लोग वापस से उसी दिशा में आ रहे हैं, तो गुरु जी के बहुत ज़्यादा नेड़ है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सुमन जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और डेरा सच्चा सौदा में ये बचपन से आ रहे हैं और आज भी ये डेरा सच्चा सौदा में अंदर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा का माहौल कैसा है, बचपन से इन्होंने क्या देखा है डेरा सच्चा सौदा के अंदर, संत जी के बारे में इनका क्या कहना है, इसे सीधी बातचीत करते हैं। सुमन जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सुमन जी क्वालिफिकेशन क्या है आपके? एमबीए, बीकॉम एमबीए। अभी करंटली क्या कर रहे हो? अभी मैं वर्किंग हूँ कोटक महिंद्रा बैंक में एज अ टेलर प्रोफेसर। मैम डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में क्या कहना है आपका? डेरा सच्चा सौदा एक आज वर्ल्ड की मतलब सबसे बड़ी संस्था है कि जो कि दुनिया को आज राह दिखा रही है कि रियल में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये आज ह्यूमैनिटी के लिए जो जितने भी काम कर रहे हैं, आज डोनेट, ब्लड डोनेट, इवन देन और किडनी डोनेट और भी फूड डोनेट, पता नहीं कितने कितने, मतलब आज दुनिया को इन्होंने ही सिखाया कि रियल में कैसे हमें जीना है। ये सोसाइटी सबसे आगे आई है कि इतने इतने बड़े काम हुए हैं, वैश्याओं की मैरिज करवाना गुरुजी ने, पता नहीं क्या क्या किया, मतलब सब कुछ गुरुजी ने ही सिखाया कि आज जो सोसाइटी में जैसा माहौल बना हुआ है, एक अच्छा माहौल बना हुआ है, सिर्फ वो गुरुजी की वजह से ही है, डेरा सच्चा सौदा की वजह से ही है। सुमन जी आप आश्रम में जैसे बताया बचपन से आ रही हो, आश्रम के माहौल को लेकर जो सेफ्टी की आपने बात की आम सोसाइटी में, आश्रम में क्या सच है सेफ्टी को लेकर गर्ल्स की? आश्रम में सोसाइटी मतलब क्या गर्ल्स की सेफ्टी कैसी? गर्ल्स की सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे स्टडी भी करी है, मैंने यहाँ पे हॉस्टल में भी रही हूँ, तो इवन दैन जो हमें सेफ्टी मैं यहाँ फील करती हूँ ऐसी तो फीलिंग घर पे भी नहीं आती, इतने सिक्योर फील करते हैं, मतलब कि इमेजिनेशन से भी बाहर है। मतलब यहाँ आगे तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे चिड़ी भी फर नहीं आ सकती, जो कुछ भी दिखाया गया वो सब बेबुनियाद है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, इतनी ज़्यादा सेफ्टी है, एकदम से मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। गर्ल्स क्या क्या कहना, जो और भी लोग हैं सबकी यहाँ पे फुली एकदम से सेफ्टी है, कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। जो भी एलिगेशंस गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं उन सब एलिगेशंस के बारे में क्या कहना है आपका? गुरुजी पे एलिगेशन लगाना तो एक बात ये सोचे कि गुरुजी ने हमें सिखाया कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, उन्होंने हमें बताया कि आपको एकदम से फुली करैक्टरफुल रहना है, तो हम जैसे करैक्टरफुल हैं उन्हीं की बदौलत ही हम करैक्टरफुल हैं। मतलब जो जो एक पावर हमें बोल सकता है, हमें गुरुजी ये बोल सकते हैं कि आपको करैक्टरफुल रहना है, हमें उनका डर रहता है कि हाँ गुरुजी यहाँ देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, तो जो मतलब उन पे एलिगेशन ये तो बेबुनियाद है, एकदम से बेबुनियाद है। मतलब जो हमें सिखाएंगे तो वो तो इस बारे में कुछ हो ही नहीं सकता, उनकी बदौलत ही हम आज करैक्टरफुल हैं, जैसे भी हैं उनकी बदौलत। लेकिन सुमन जी मीडिया में बहुत अलग प्रचार किया जा रहा था, यहाँ एक गुफा है उसके बारे में बोला जा रहा था, आप क्या बताओगे पब्लिक को इस सब? जो गुफा जो ऐसा बताते हो तो वहाँ पे तो गुरुजी पूरी संगत को बुलाते होते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे अकेले ये वो जो भी दिखाया कुछ नहीं है, वहाँ पे पूरी संगत को बुलाते थे और गुरुजी इतना प्यार देते थे ना, मतलब इतना प्यार दिया गुरुजी ने बच्चों की तरह, इतना ज़्यादा, मतलब वो चीज़ हम आज भी मिस करते हैं, मतलब कभी दुनिया में सोच भी नहीं सकते कि इतना सब कुछ भी हो सकता है, गुरुजी ने इतना ज़्यादा प्यार दिया गुफा में, इवन गुरुजी गुफा में बुला के ये अप्रिसिएशन देते होते थे कि जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों को इतना लोगों का भला किया, लोगों की इतनी सेवा की, जो भी किया, बस गुरुजी उनको गुफा में बुला के अप्रिसिएशन के तौर पे उनके साथ टाइम बिताते होते थे कि उनको हाँ उन तो साथ में जो सेवादार होते थे उनको भी खुशी मिलती थी कि हाँ गुरुजी हमें अलग से टाइम दे रहे थे। ऐसा वैसा जो भी एलिगेशन दिखाए गए हैं सब वो बेबुनियाद है, पैसे के तौर पर वो सब दिखाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी का नेचर कैसा है? नेचर तो क्या, वो तो रब तो क्या ही, मतलब वर्ड्स ही नहीं है, वो तो एक रब्बी रूहानी जो होता है, बहुत ही जिनके सहारे ये दुनिया चल रही है, खंड ब्रह्मांड उनके सहारे चल रहा है, उनके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, जैसे कि मतलब सूरज को दिया दिखाने की बात है, तो ऐसा ही है, वो तो एक रब्बी ज्योति है। वो तो क्या 3-4 सालों से सोसाइटी में संत जी नहीं है, क्या इम्पैक्ट आया है सोसाइटी के ऊपर? गुरु जी जब से सोसाइटी में नहीं है तो देखो आज हम अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, तो देखो पहले लोग, पहले जो यूथ थे, पहले गुरुजी के इतने मतलब गुरुजी ने इतना उनको इम्प्रेस किया तो लोगों ने नशा छोड़ दिया, तो आज देखो कैसे लोग नशे की तरफ चल रहे हैं। जब से गुरुजी थे पहले सोसाइटी में तो दुनिया एकदम से सेफ रह रही थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, आज ये कोरोना
कोरोना आ गया, आज ये आ गया, बेबुनियाद, मतलब जो चीज़ें अपन ने सोची भी नहीं थी आज वो चीज़ें आ रही हैं। सोसाइटी में एकदम से दंगल मचा हुआ है, पूरी सोसाइटी में बुरा हाल हो रहा है। देखो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, गुरु जी के जाने के बाद सारा ही चेंज हो गया एकदम से, तो हमें उनकी बहुत ज़्यादा नीड है। आज भी हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गुरु जी हमारे बीच जल्दी जल्दी आए। क्या सुधर जाए, नीड है? हाँ, बहुत ज़्यादा नीड है सोसाइटी को वापस से एक सुधारने की, बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि आज जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर से वापस से वही बुराइयाँ पनप रही हैं, लोग वापस से उसी दिशा में आ रहे हैं, तो गुरु जी की बहुत ज़्यादा नीड है। क्या अपील करोगे आप सरकार? तो हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे गुरु जी जल्दी जल्दी बाहर आएँ और दुनिया को फिर से वापस से सही राह दिखाएं। थैंक यू सो मच। ये है असली फैक्ट डेरा सच्चा सौदा विद डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, जो हम एक्चुअली पब्लिक से सीधी बातचीत करके दिखा रहे हैं, सीधी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, एक तरफ हमारे साथ जो लड़कियां जुड़ रही हैं, जो स्कूल में भी पढ़ती रही हैं, बचपन से आश्रम में आ रही हैं, गुरु जी के साथ वहाँ पर बचपन से देख रही हैं गुरु जी को, बता रही हैं कि झूठा बदनाम किया गया। एक तरफ चंद सूत्र हैं, एक तरफ चंद लोग हैं, एक तरफ ये करोड़ों बेटियाँ जो हम आपके सामने फैक्ट रख रहे हैं। आपकी क्या राय है इनके लिए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।